अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सीपैक। नाज़रीन, चीन ने कर्जों के बोझ तले दबे पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी से अपील कर दी है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान मॉन्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान को कर्जों के बहरान से निकालने के लिए आलमी बरादरी मदद करे, कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान के मौशी सूरत हाल में मदद करें, मालियाती इदारे पाकिस्तान के लिए मस्बत किरदार अदा करें, पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में सबको तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि चंद अमीर ममालिक की सख्त इक्तिसादी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए मौशी बहरान की बड़ी वजह हैं। इन ममालिक की मालियाती पॉलिसियाँ पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मौशी मुश्किलात बढ़ा रही हैं। मॉन्ग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकत दारी है। मैशत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए चीन भरपूर तआवुन जारी करेगा। याद है कि चीन ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे से कबल ही पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर्स का कर्जा फराहम कर दिया है। जुमे के रोज चाइना डेवलपमेंट बैंक से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं। इसी तरह चीन ने कर्जा फराहम करने वाले ममालिक और इदारों की इजारादारी पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक की अबतर मौशी सूरत हाल की जिम्मेदारी एक तरक्की याफ्ता ममालिक की पॉलिसियाँ ही हैं। इनके ख्यालात का इजहार चीन की वजारत खारजा के तर्जमान मॉन्ग ने पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। इनसे पाकिस्तान के कर्जे माफ़ करने के हवाले से भी पूछा गया। ख्याल है कि मूरिस और फेच के मुताबिक पाकिस्तान पर जून तक 7 बिलियन डॉलर का कर्जा वाजिब अदा है, जिसमें चीन का कर्जा भी शामिल है। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान मॉन्ग ने जवाब दिया कि चीन पाकिस्तान की इक्तिसादी और माली तआवुन करता रहा है और आइंदा भी इक्तिसादी इस्तेहकाम बरकरार रखने, जिंदगियों को बेहतरीन बनाने और तरक्की के हसूल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत करता रहेगा। तर्जमान मॉन्ग ने अमेरिका का नाम लिए बगैर लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि एक मखसूस तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद परस्त मालियाती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और दूसरे कई तरक्की पजीर ममालिक कर्जों में फंस कर बेपनाह माली मुश्किलात का शिकार हैं। तर्जमान मॉन्ग का मजीद कहना था कि चीन और पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। चीन पाकिस्तान के मौशी और समाजी इस्तेहकाम की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तमाम फ्रेकेंस से मुश्तरका कोशिशों पर जोर देता है। तर्जमान वजारत खारजा मॉन्ग ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कर्ज लेने वाले मालियाती इदारे और ममालिक मदद के लिए आगे बढ़ें। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों का बड़ा हिस्सा मगरबी ममालिक के ज़ेर दस्त तजारती कर्ज दहिंदगान और कसीर जहती माली इदारों का है, जिन बड़े ममालिक के इशारों पर चलते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने चीन के कर्जों के बारे में अमरीकी तहफ़ुज़ात को बेबुनियाद करार दिया। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर डेरेक चॉलर के पाक चीन इक्तिसादी ताल्लुकात के हवाले से हालिया बयान के बारे में पूछा गया। बलोच ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन को तमाम मौसमी सदाबहार स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। उन्होंने मजीद वजाहत की कि चीन कई दहाइयों से पाकिस्तान का वफादार, फयाज और गैर मुतजलजल दोस्त रहा और पाकिस्तानी अवाम चीन के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र करते हैं। बलोच ने जोर देकर कहा कि ज़रूरत पड़ने पर चीन हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा। IMF की शरायत पूरी करने के लिए मुल्क में महंगाई का एक तूफान आ रहा है, यह हकीकत है सबके सामने। ऐसे में चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाक चीन दोस्ती की इब्तदा 21 मई 1951 से हुई। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क था जिसे चीन को तस्लीम किया। इस सिफारती पेशकदमी को चीन ने कभी ना भुलाया। बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद दो तरफा ताल्लुकात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो तमाम मौसमों और हालात के उतार चढ़ाव के बावजूद कायम दायम है। दरअसल इस ताल्लुक़ को शुरू से ही एक दूसरे की इज्जत मिली और मुल्क की मफादात को मोहतरम रखने की बुनियाद पर कायम किया गया। लिहाजा दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे की इलाकाई और बैन अक्वामी पॉलिसीज की हमायत की। CPEC मंसूबा भी इसकी एक मिसाल है। CPEC मंसूबे की बुनियाद 2013 में रखी गई और नवंबर 2016 में इसे एक प्रोजेक्ट के अहम हिस्से ने काम शुरू कर दिया। जबकि कुछ एशिया ट्रक के जरिए चीन से गवादर की बंदरगाह के जरिए मगरबी एशिया, अफ्रीका की मंडी में भेजी गईं। इस कामयाबी के बाद चीन ने इस मंसूबे पर सरमायाकारी करने में इजाफे का इंदिया दिया, जो अब 62 मिलियन तक पहुँच गया है।
पाकिस्तान के सिविल और फौजी क्यादत सी पैक की कामयाबी के लिए बहुत पुरुम्मीद है और ये तवक्को की जा रही है कि सी पैक पाक चीन दोस्ती का एक संग मील साबित होगा और दोनों ममालिक को इस मनसूबे की तकमील से बे इंतहा मौशी फवायद होंगे। इसी तरह हाल ही में IMF से नए कर्जों से पहले जैसा कि हमने बताया कि चीन से 70 करोड़ डॉलर मौसूल कर लिए गए हैं। ज़रा स्टेट बैंक का कहना है कि रकम चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल और मुहिदे के बाद वसूल हुई। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुहिदा हो चुका था। पाकिस्तान ने ये रकम रोल ओवर के तहत अदा कर दी थी। रकम की वसूली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर के करीब पहुँच गए हैं और अब चीन ने पाकिस्तान के मौशी सहकाम के लिए आलमी बरदारी से अपील भी कर दी है। नाज़रीन, अब चीन की पाकिस्तान के लिए की ये मौशी अपील के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दोबारा हरगिज़ मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।